अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम डायमंड्स कुकिंग कुकिंग में ग्रीन मटन लेके आए हैं, ग्रीन हरा मसाले का मटन लेके आए हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 kg गोश्त है, ये मटन है, 1 kg हरा मसाला, कोथमीर पुदीना है, ये कोथमीर पुदीने को मैं धो के रख ली मैं, और ये हरी मिर्ची है, अपने हिसाब से आप हरी मिर्ची लिए, मैं 8-10 से 15 हरी मिर्ची की ले ली मैं, और 2 नींबू ले लिए, और 1 डली प्याज की ले ली मैं। नमक ले ली मैं 1 टीस्पून फुल भर के, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ले ली मैं, काली मिर्ची का 1 चम्मच ले ली मैं पाउडर, अदरक लहसुन का फुल 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, 2-3 दालचीनी के टुकड़े है, 4 इलायची के टुकड़े है, 4 लौंग है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। कुकर ले ली मैं, कुकर में ये पूरा गोश्त डाल देंगे अपन गोश्त गलने के लिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिए, नमक ऐड कर दिए, हल्दी का पाउडर ऐड कर दिए इसमें, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन हल्दी नमक डाल के पहले अपन ये गोश्त को गला लेंगे अच्छी तरह से। गोश्त गलने के ऐसे आधी ग्लास पानी डाल देंगे अपन। गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे, कुकर का ढक्कन लगा ली मैं, गैस ऑन कर दी, कुकर रख दी मैं, गोश्त गला लेंगे अपन। फिर जब तक गोश्त गले तक मैं ये ग्राइंड करना बताऊंगी मैं आपको। ग्राइंडर का जाल ले ली मैं, उसमें ये कोथमीर पुदीना अपन धो के रख लिए थे वो डाल दे रही इसमें। गोश्त गल रहा अपना, कुकर रख दिया अपन चूल्हे पे, गोश्त गल रहा है, और ये हरी मिर्चियाँ हैं वो डाल दे रही इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची डाल सकते हैं, और ये प्याज है 1 डली ये भी डाल दे रही हूँ इसमें। पानी 1/2 ग्लास डाल दे रही हूँ इसमें, डाल के ग्राइंड कर लेंगे ये सभी चीज़ों को अपन, ग्राइंड करके बताऊंगी। ग्राइंड हो चुका है, मैं ये एक बॉल में निकाल ले रही हूँ, ग्राइंड करी इसमें। प्याज है, हरी मिर्ची है, कोथमीर है, पुदीना है, अपन ग्राइंड कर लिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। देखिए इसका पेस्ट बना के अलग से रख ली मैं। गोश्त अपना अच्छा गल गया है, गोश्त अच्छी तरह से अपना गल गया है, देख सकते हैं आप गोश्त कितना अच्छा गल के, देखिए आप गोश्त इतना अच्छा गल गया है अपना। अब इसका पूरा पानी सुखा लेंगे अपन गोश्त का। ये पूरा पानी सूख गया है इसका गोश्त का, अपन एक साइड में रख लेंगे अब ये गोश्त का। कढ़ाई रख ली मैं, गैस ऑन कर ली, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे अपन। फाइव टी स्पून ऑयल ऐड कर दी मैं। अब ये इसमें दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे अपन, इलायची के टुकड़े डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, थोड़ा सा का फ्राई कर लेंगे इसको। इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे अपना, गला लिए इसे।
अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको। तेल में ही अच्छा फ्राई कर लेंगे गोश्त को। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेके अपन मसाला जो बना के रखे थे पूरा प्याज हरा मसाला हरी मिर्चियाँ का मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ, लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। डेढ़ चम्मच लहसुन का पेस्ट है ये। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अपन। लहसुन के पेस्ट से खुशबू अच्छी आती है। अपन गलात वक्त अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे थे, अब खाली लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा रहता है इसका। अपना अच्छा गोश्त फ्राई हो गया तेल में, अब ये मसाला बना के रखे सो ऐड कर देंगे इसमें। हरी मिर्ची प्याज कोथमीर पुदीने का पेस्ट है ये। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। इसको अच्छा अपन फ्राई कर लेंगे अब इसमें सूप डाल के। इसका पूरा पानी सूखे तक अपन पका लेंगे इसको, पहले पूरा पानी सूख जाना है इसका। इसमें पूरा अच्छा तेल पूरा सूख जाना है इसका, अच्छा भुने जाना ये। देख सकते हैं अच्छी तरह से अपना गोश्त फ्राई हो रहा, तेल भी अपना छूट रहा अच्छा। अब इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे अपन। इसको भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। मसालेदार जबरदस्त तलावा गोश्त हरा मसाले का बन के रेडी है अपना। ये नींबू का रस है, नींबू का रस ऐड कर रही मैं इसके अंदर, 2 टीस्पून है ये। इतना मज़े का बन के रेडी हुआ है,
देखिए अच्छे तरह से तेल अपना छूट गया, गोश्त भी अच्छा तले गया अपना। देखिए इतना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है अपना गोश्त, जिसको अपन बॉल में निकालेंगे। देख सकते हैं मसालेदार ग्रीन गोश्त बन के रेडी है अपना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। मेरी रेसिपी पसंद है तो कमेंट्स करके बोलिए आप। अल्लाह हाफिज़।